अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ एक रज़ाई के लिए कपड़ा लेने, और जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, और ये रज़ाई मैंने किसी बहुत ही ख़ास इंसान को गिफ्ट करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गिफ्ट करूँ, फिर मैंने कहा कि मौसम चेंज हो गया है तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो जाएगा ये वाला, अगर मैं बना पाती हूँ तो। वैसे तो मैंने ये काम कभी भी नहीं किया, कवर वगैरह खरीदे हैं लेकिन इतना डीप जाके एक एक चीज़ नहीं की, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी शेयर करूंगी। और चलें जी, अभी हम चलते हैं रज़ाई का कवर लेने के लिए। हाँ भाई, मैं रेडी हो गई हूँ। जन्नत का भी मैंने रेडी कर लिया है, और वो फिल वक्त बाहर लेटी हुई फीड कर रही है। ये अच्छी लगी पर ये बहुत लाइट कलर है। ये कपड़ा इसमें तैयार नहीं? ये कैसे है, खोले थोड़ा सा। 8,500 का सिंगल रजाई का, तो ये सिंगल रजाई मिल जाएगी? सिंगल मिल जाएगी? सिंगल तैयार नहीं मिलेगा, एक पीस नहीं मिलता है, मिलते दो। तो को क्या करना है? ये वाला लिया है जी मैंने कवर, मुझे और राव साहब को बहुत पसंद आया था। कलर भी बहुत डिफरेंट सा है, आम ऐसा देखा नहीं कभी रज़ाई में ऐसा कलर, वरना मैरून थे, येलो था, तो ब्लू भी था। मेरा एक दिल कर रहा था ब्लू ले लूं, फिर मैंने कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, तो ये लिया हमने। और ये इसके नीचे वाला कवर, अभी ये अम्मी को मैं दे रही हूँ, वो लेकर जाएंगी स्टिच करवाने के लिए। और अभी बहुत सारा काम रहता है, अभी इसके नीचे वाला कवर आना है जिसके अंदर रुई डालनी जाती है, फिर रुई आनी है, बहुत लंबा काम है। तो ये दूसरा स्टेप तो हो गया, अभी ये जा रहा है आज स्टिच होने के लिए, ये मैं भेज रही हूँ। और ये उन्होंने कहा था ये सबसे अच्छी वाली वेलवेट है, आपने वीडियो में सुना होगा। ये सेल्फ प्रिंट भी है इसके अंदर, प्रिंट भी दूसरा अच्छा, और वो कह रहे थे इससे अच्छी वेलवेट नहीं है हमारे पास, ये सबसे अच्छी वाली है, पसंद आ जाए सही बस। ये वाले कवर्स भी आ गए हैं वाइट वाले, अब इसके आगे पिको शिको भी करवाई हुई है अम्मी ने, ये मेरी अम्मी से मंगवाए हैं। ये दो कवर हैं और स्टिच होके एक कवर बन जाएगा, यानी जो रुई आनी है ना अब वो रुई इसके अंदर डलेगी, तो ये कवर भी हो गए, रुई जो है वो इसके अंदर डलेगी, और ये कवर भी मुकम्मल हो गए, ऊपर का भी और नीचे का भी। अब मेन जो पार्ट रह गया वो है रुई, और नीब हाथ आएगा तो फिर रुई आएगी, उसको मैं बुलाती हूँ, अगर वो आ गया तो फिर उसके साथ जाकर रुई लेकर आएंगे, और फिर अगला प्रोसेस देखेंगे क्या होना है, फिर शायद चक्की पर देनी है, और उसके बाद किसी और को देनी है सिलाई के लिए। मतलब बहुत लंबा काम हो गया ये, तो तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई। अब सर्दी आ रही है, थोड़ी सी बारिश आ रही है, डेली बारिश हो रही होती है जब सुबह उठते हैं, तो उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया हुआ है, फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन काम ये लगा तो मैंने करना ही करना है। अभी मैं जा रही हूँ जी रुई लेने के लिए, ब्लैक शैक मैंने पहन लिया, तैयारी कर ली है, उन्हीं 12 उसके साथ जाऊँगी, रुई लेकर आऊँगी। आपको मेरी आवाज़ से या मेरे आंखों से लग रहा होगा कि मैं शायद रो रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही थी अभी जाने की, लेकिन मैंने सोचा कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया है तो जितनी जल्दी ये काम क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी इसको बनने में शायद एक दो दिन और भी लग जाएंगे। तो अभी वो आ रहा है ड्यूटी से, उसको मैंने ऑफ़ करवाया, उसको साथ लेकर जाऊंगी और ये सारा मामला क्लियर करूंगी। पैसे निकलवा लिए एटीएम से, अब चलते हैं जी रुई लेने के लिए। अच्छा किस तरह ये 550 रेडू थले ये 450 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, सब तो अच्छी माल भी आज ही आया ताज़ा। देखो
खाली सैंपल पूरा बोरा जिसका खोल के लाया। रियासत देसी देसी डोडा छोटा होंगे नरमे का डोडा बड़ा होंगे होंगी दोवें कपावान ने फसल थोड़ी ज्यादा होंगी फसल घट होंगी जी रेडी यहाँ पर आ गई है। अब इसको लेकर जाएंगे और देना है सिलाई करवाने के लिए। उसके बाद इस पे इसका कवर आएगा और वो भी थोड़ा थोड़ा सिलाई होएगा। इस टाइम जन्नत भी मेरे साथ मौजूद है और उन्नीत भी है और अम्मी भी है। क्या कर रही हो ये? रज़ाई जा रही है अपने आखिरी मराहल के अंदर और यहाँ पर सिलाई होने लगी है अम्मी की छत पे बैठ के। रज़ाई थी फाइनली इतने दिन के बाद बन के तैयार हो गई है और आज या कल हम ये देने भी जाएंगे। और ये वाली जो रज़ाई है मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी मैंने किसको देनी है, तो ये रज़ाई मैंने देनी है अपनी मदर इन लॉ को और उम्मीद है कि उन्हें पसंद आ जाए।
बहुत प्यारी लग रही है और ये बहुत हैवी भी हो गई है, वेट में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि इसका जो कवर था वो खुद ही बहुत हैवी था। जिनत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं इसके बाद की जो रिकॉर्डिंग थी वाइट कपड़े के बाद की वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और अभी भी ये रो रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।